प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सर्दी का सितम लगातार जारी है। माउंट में आज तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया। कड़ाके की सर्दी से आमजन के जीवन पर खासा असर पड़ रहा है। लोग देर तक घरों में दुबके रहते हैं, तो वहीं मैदानी भाग की पहाड़ियों पर गाड़ियों में घरों के बाहर जलाशय में भी बर्फ जम गई। बारिश के बाद माउंट में लगातार ठिठुरन बढ़ती ही जा रही है। साथ ही लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर सैलानी भी मौसम का मजा लेने माउंट पहुंच रही है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी किशन वासवानी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशन, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही है, साफ तौर पर -3 डिग्री तापमान होना अपने आप में एक बड़ा सर्दी का सितम है माउंट आबू के लिए, लेकिन एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल भी है। किस तरीके से लोग वहां पर अभी सर्वाइव कर रहे हैं इतनी भीषण सर्दी के बीच, बताएं। बिल्कुल, 3 डिग्री टॉर्चर, वो भी दूसरे दिन लगातार, इसलिए माउंट आबू का कहा जा सकता है कि अभी हालत क्या है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ लोग अलाव ताप कर जहाँ पर शाम होती है वहां पर अपना कामकाज कुछ बड़ी मुश्किल से शुरू कर पाते हैं, तो वहीं अल सुबह में जो कामकाज पे आने वाले व्यक्ति होते हैं या लोग होते हैं उन्हें बड़ी ही भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज भी अमूमन वही दृश्य नजर आए जो कल नजर आ रहे थे। 3 डिग्री तापमान में जिस तरह की बर्फ गांव के मैदानों पे, वाहनों के शीशों पर, नक्की झील में खड़ी बोटों पर नजर आ रही, उसी तरह के दृश्य आज भी नजर आए। तो वही की वही परेशानियां जो लोगों को पिछले 10 दिनों से आ रही थी वो अब थोड़े दिनों में और बढ़ती भी नजर आ रही है। जी किशन, इसके अलावा जनवरी का महीना टूरिज्म सीजन कहा जाता है, विशेष तौर पर माउंट आबू के लिए देश भर से सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोविड की एक तो मार और एक सर्दी का सितम, अभी क्या स्टेटस है वहां पर टूरिज्म का? यकीनन ये सही बात है, जो अपेक्षाकृत सैलानियों का आगमन होता है वो यहाँ पर कोविड की नई और तीसरी गाइडलाइन आने के बाद काफी कम हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो शाम होती है वहां पर जो सैलानियों का जमघट नजर आता है पूरी सड़कों पर, वहां पर अब वीरानी नजर आती है। तो जहां पर बात की जाए अल सुबह की, तो जो सैलानी घास के मैदानों में या बर्फ का आनंद लेने के लिए नजर आते थे वो घास के मैदान अभी सुनसान नजर आते हैं, वो 2 या 4 इक्का दुक्का ही लोग वहां पर नजर आते हैं। जी चलिए किशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।